बहुत जोर से हवा चलने लगी, ट्रेन आने वाली लगता है, मम्मी जल्दी जल्दी आओ साइड में खड़े हो जाएंगे। और इसके ऊपर कुछ पंप खाली पाइप लगा हुआ है। हमें दिखाई दिया केकड़ा, बोलो ना, और वो एक केकड़ा। और यहाँ साग तोड़ा जा रहा है। चिकन आ, चिकन आ दे, चिकन आ, कम है। अब पता वाह, छोटो ये तो ऐसे निकलेगा। जैसा कि पहले वीडियो में था, हम लोग जा रहे थे महादेव साल का सुरंग घुसने ही वाले थे, उससे पहले ट्रेन आ गई। ट्रेन के ख़त्म होने का इंतज़ार करने के बाद हम लोग चलने लगे आगे की ओर, उस टनल को पार करने। ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, गुफा है, अंदर बहुत अंधेरा होने वाला है। और जीजा का कहना है कि हम लोग को कम से कम आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा। और इसे कोई साग दिखाई दिया लेकिन नहीं तोड़ेंगे, चलो जल्दी अंदर। मिमी वाओ, ठंडा एसी जैसा लग रहा है। हल्के हल्के चलो चलो इसको अभी लगभग 20 मिनट चलना पड़ेगा। इनका कहना है ये जंगल के अंदर से है, तो ये रात नहीं है, ये दिन के बज रहे हैं 1:15। हाँ, गाड़ी आने वाली है, बहुत ज़ोर से हवा लगने लगा और इसके ऊपर ऊपर से जंगल है, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे साइड में हट जाते हैं। यहाँ साइड पे ये पटरी है, इसके इधर साइड में लोग उधर हट जाते हैं क्योंकि गाड़ी आ रही है। और इसके ऊपर पूरा जंगल है, जंगल के नीचे ये सब। हाँ, मिनट से चल रहे हैं, 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गया और अभी तक ये गुफा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पे पानी है, पाइप से गिर रहा है, निकल रही है पानी, कुछ पंप खाली पाइप लगा हुआ है यहाँ। क्या है ऐसा चीज़ कहते इनका है ना। वाओ, देखने लायक है। दूल्हा 20-25 मिनट चलने के बाद हम लोग पहुंच गए ये सुरंग का दूसरा छोर। चलते चलते हमें दिखाई दिया केकड़ा, बोलो ना, और वो एक केकड़ा। ये नाली नहीं है, ये साफ पानी ही है, लेकिन यहाँ लोग ट्रेन से कचरा फेंक के ऐसा करते हैं। पलंग अच्छे नहीं, हाँ ये अच्छी नहीं। चल, पहाड़ों के बीच में सिर्फ ऐसा पाइप लगा हुआ है, वहाँ से पानी साफ साफ ठंडा पानी निकल रहा है। ओके जी, पानी पी के जाएंगे। चलते चलते पानी प्यास लगी हुई है तो पानी पी लेते हैं ठंडा ठंडा। यहाँ अब यहाँ चढ़ना होगा जंगल जाने के लिए। और नीचे चल रहे जीजा। मजा आ गया, भले हम लोग अंग्रेज लोग का गुलामी से है थे क्या,
लेकिन वो लोग ये सब ट्रेन पटरी सब ला के बना के ये सब कंस्ट्रक्शन उन्हीं का किया हुआ है। चलो अब उधर पार करना है हम लोग, फिर वो सुरंग पार करेंगे, वो उतना लंबा नहीं होगा, वो थोड़ा छोटा रहेगा। और यहाँ साग तोड़ा जा रहा है। चिकन आ दे, चिकन आ बाजिया अपने जमो। यहाँ से साग तोड़ रहे ये लोग। और हम लोग चुन रहे कोयला। ये एक सुरंग देखो मैडम, अब ये सुरंग पार करेंगे, ये उससे थोड़ा छोटा है। और मिमी पहुंच चुकी है, 10 मिनट में सुरंग पार हो गया है। अब हम लोग का एनर्जी डाउन हो चुका है, हम तो थोड़ी देर बैठेंगे इसके बाद ही चलेंगे, नहीं तो हमसे नहीं हो पाएगा। प्लीज। और जीजा देख रहे हैं लाइट। ए रेलवे का सामान चोरीगा ना है, गलत बात। किया जा रहा है। आज जीजा दोनों भी आराम कर रहे हैं, वो दोनों भी थक चुके हैं और ये थके हुए चेहरे में भी स्माइल है। पत्थरों में चलते चलते इसका जूता फट गया। पटरियों को पार करने के बाद हमें पटरियों के पार मिला ये, जहाँ चना मिलता है और जो थक जाते हैं हड़िया पीने, गांव में तो हड़िया चलता ही है, तो ये हड़िया पीने वाले यहाँ रुकते हैं और चना मिर्चा प्याज नींबू के साथ मिला के देंगे और हम लोग खाएँगे। और यहाँ हड़िया बनाया गया है और नीचे है वो जीजा, शायद हड़िया पियेंगे। हम लोग चना खा के फिर निकलेंगे जंगल की ओर। अभी इतनी गर्मी में जंगल में कुछ मिलेगा तो नहीं, इस मौसम में सारा फल ख़त्म हो चुका है, लकड़ी मिलेगा और ये पत्ते मिलेंगे, तो ये पत्ते हम लोग ले जाएंगे घर क्योंकि हम लोग के तरफ नहीं मिलता है। जंगल से आने के बाद हमें भूख लगी है तो ये कटहल था, अब कटहल खा लेते हैं। और बाबू फाड़ रहा है कटहल, छोटा छोटा बीज है इसका, खाने के बाद इसका बीज को भी रखेंगे, धोएंगे सुखाएंगे, फिर इसको सीजा के बॉईल करके या जला के खाया जाता है, बहुत टेस्टी लगता है, उसका सब्जी भी बनता है। वाह। और हम लोग का खाना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ हम दोनों खा रहे हैं, वो दोनों बोले हम लोग बाद में खाएंगे। और साल का पहला पका हुआ कटहल, कटहल की सब्जी तो खाए थे, उसका बीज जो गिरा रहे हैं उसको धोएंगे फिर बाद में उठा के एक साथ। क्योंकि हम लोग इन लोगों को नहीं पूछ रहे। और ये है इस गांव की गूगल्स वाली हीरोइन। मेरा खाना तो हो गया। कटहल खाने के बाद फिर हम लोग लालची लोग चले आम तोड़ने, क्योंकि हम लोगों को घर लेकर जाना था तो हमें और आम चाहिए था और हम लोगों ने एक को चढ़ा दिया है, वो वहाँ नहीं दिख रहा है। ये है यहाँ इसका आम हो बन, ये इसका भी आम है, इस तरह का, इस तरह आप छीलेंगे तो ऐसे निकलेगा। लल जाती है तूने, लल जाती है ना, मरका जीम ना पूरे। ओच ये भी अच्छा है। और वो भी खा रहा है कच्चा आम। हम लोग कल निकल तो नहीं पाए अभी चाय पीने के बाद, अभी ब्रश तो नहीं की है, पहले चाय पी लेगी इसके बाद ब्रश करेगी फिर तैयार होके घर को जाएगी। ये भी चाय के लिए और चाय पीगा, एक नंबर का जेजला बच्चा है। जाएंगे फिर आम पेड़ तरफ।
और ये इतना सारा आम और ये लाल चींटी जो इस लड़की ने पेड़ में चढ़कर तोड़ा, ये सब लेकर हम लोग घर वापस आ गए सुबह की ट्रेन से।